दोस्तों, आजकल सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बयान सामने आया है। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर विवाद देश में बढ़ता ही जा रहा है। एक वर्ग उनका विरोध कर रहा है तो दूसरा उनके समर्थन में उतर गया है। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार पर महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। लोगों का मानना है कि बागेश्वर महाराज के सामने जाते ही उनके मन की बात जान लेते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर देते हैं, जबकि वह खुद से ईश्वर का आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा मानते हैं। कथावाचक देवकी नंदन ने सनातन धर्म मानने वालों से ये अपील की है कि उन्हें आपस में एकता का परिचय देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य धार्मिक गुरुओं पर भी सवाल उठाया है। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, जिसका समाधान स्वयं बालाजी महाराज करते हैं। आरोप के बाद उनको चुनौती देने वालों को बाबा जी ने रायपुर में अपनी कथा में बुलाया और मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया और साथ ही लाइव डेमो भी दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों, ऐसे ही और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।